अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और आप में से कई लोगों के मैंने शिकायतें देखे हैं कि आप गेम खेल रहे हो और गेम के बीच में एडवर्टीजमेंट आ जाती है। आप कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एप्लीकेशन को खोल करके स्क्रॉल कर रहे हो एंड उसके बीच में एक फुल स्क्रीन वाली ऐड आ जाती है और आपको ऐसा लगता है कि वो जो ऐड आई है या तो वह फ़ोन की तरफ से आई है या फिर वो सॉफ्टवेयर की तरफ से आई है, MIUI की तरफ से आई है, Realme UI की तरफ से आई है। बहुत सारी चीज़ें आपको लगती है लेकिन आपको सच में पता ही नहीं होता है कि उस एडवर्टीजमेंट का सोर्स क्या है। तो गाइस देखिए, एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, अगर कोई भी काम होता है एंड उस काम के बीच में एडवर्टीजमेंट आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि वही एप्लीकेशन या वही काम या फिर वही स्मार्टफोन की वजह से ऐड आ रहा है। ये ऐड अलग अलग सर्विसेज के कारण भी आ सकती है। तो अगर आपके फ़ोन में कोई छोटा ऐड आ रहा है, यानी कि पेजेस के बीच में ऐड आ रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हो वेबसाइट के बीच में ऐड आ रहा है, तो वो ऐड वेबसाइट की तरफ से है, उस पेज की तरफ से या वो उस एप्लीकेशन की तरफ से है। लेकिन जहां तक बात कर ले फुल स्क्रीन ऐड की, तो इसका पता लगाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं एंड उसके बीच में फुल स्क्रीन ऐड आ जाता है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि ऐप स्विचिंग वाला जो पेज होता है, यानी कि जो रीसेंट पेज होता है, आपको उस रीसेंट पेज में चले जाना है। रिसेंट पेज में जाएंगे तो उसमें आपको ऐप्स की लिस्ट दिखाएगी कि कौन कौन से एप्लीकेशंस खुले हुए हैं एंड अगर उसमें जो पहला एप्लीकेशन होगा वही वो एप्लीकेशन होगा जिसके वजह से आपको ऐड आया है, तो ऐसे में आपको उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। कई लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि गूगल क्रोम के तरफ से भी फुल स्क्रीन एड्स आपके फ़ोन में आ सकते हैं एंड आपको ऐसा लगता होगा कि आपका फ़ोन का मैन्युफैक्चरर शो कर रहा है। जी हाँ, कैसे? तो आप कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने फ़ोन में गूगल कैमरा में कोई वेबसाइट को विजिट करते हो और वो वेबसाइट बोलता है कि क्या आप नोटिफिकेशन अलाउ करना चाहते हो एंड आप सीधा का सीधा अलाउ पर टैप कर देते हो। अब आपने अलाउ पर टैप किया तो आपके फ़ोन में फिर एड्स आने शुरू हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो इसे चेक करने के लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है, ऊपर 3 डॉट बटन पर टैप करना है एंड वहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशंस में जाइए एंड नीचे लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशंस आपको नजर आएंगे, ढेर सारे नोटिफिकेशंस होंगे। आप देख लो कि आपने कौन कौन से नोटिफिकेशन को ऑन किया है एंड आई थिंक कि आप में से जितने भी लोग होंगे उनमें से लगभग 40-60% लोगों ने इतने सारे नोटिफिकेशन को अनजाने में ऑन कर रखा होगा कि उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो वेबसाइट उन्होंने विजिट किया था। जी हाँ, तो आप वन बाई वन जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबको ऑफ कर दो एंड जो जरूरी नोटिफिकेशन है, जैसे हो सकता है कि आप में से गूगल क्रोम से कुछ लोग फेसबुक के नोटिफिकेशन पाते होंगे, कुछ लोग यूट्यूब के नोटिफिकेशन पाते होंगे गूगल क्रोम के जरिए, तो वो आप चाहो तो ऑन रख सकते हो, लेकिन अगर आपको उन्हें भी ऑफ करना है तो वो भी ऑफ कर दो। एक बार आपने सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिया फिर गूगल क्रोम वाले फुल स्क्रीन एड्स भी आने बंद हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके पास कुछ ऐसे एड्स आ रहे हैं जिसका आप पता नहीं लगा पा रहे हो, मतलब कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि आपके फ़ोन में ऐड आता है एंड आप रिसेंट में जाते हो तो वो रिसेंट से ऐप ही गायब हो जाता है, आपको दिखाता नहीं है एंड इसे कहते हैं एडवेयर। ये एडवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि मैलिशियस वेबसाइट या मैलिशियस एप्लीकेशन डाउनलोड करने की वजह से हो सकती है एंड उसका पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो ऐसे में सिंपल आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जा करके मैनेज ऐप्स में चला जाना है जहाँ पर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन होते हैं एंड उस लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपको वन बाई वन चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आपके काम के नहीं हैं या फिर जिनके बारे में आपने नहीं जानते एंड उस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल कर देना है। कोई ना कोई एक ऐसा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएगा जिससे वो ऐड आ रही थी लेकिन वो एप्लीकेशन रिसेंट में आ नहीं रहा था एंड अगर वो एक बार अनइंस्टॉल हो जाता है तो आपकी ऐड की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इफ़ मान लो बाई चांस अगर वो लिस्ट में नहीं है, वो एप्लीकेशन लिस्ट में नहीं है एंड फिर भी आपको ऐड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास तगड़ा वाला एडवेयर आ चुका है एंड अगर ये तगड़ा वाला एडवेयर आ चुका है तो इसका एक ही सलूशन है, आप अपने फ़ोन का फैक्ट्री रिसेट कर दो। अगर आप फैक्ट्री रिसेट कर दोगे एंड उसके बाद फिर आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा मैलिशियस एप्लीकेशन या वेबसाइट विजिट ना करो जो कि ज़्यादा ऐड दिखाता है। बाकी के लिए दोस्तों ये है पूरे के पूरे तरीके ऐड से बचने के, स्पॉट करने के। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं रोजाना आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।